कभी बुलेट पर काला चश्मा, तो कभी एक से एक धांसू हीरो वाली तस्वीर। फिर सामने आई जिम की ये तस्वीर, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। इस सुपर कॉप का नाम है हिमांशु सिंह, इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह। बॉलीवुड में अक्सर ऐसी कई फिल्में आई जहां सिंघम और दबंग जैसे पुलिस अफसरों को किसी बदमाश का एनकाउंटर करने के फौरन बाद बिना कोई सफाई दिए अगले मिशन पर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें रील से हटकर रियल लाइफ की, तो ये जिंदगी उतनी आसान नहीं। अब हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे पास एक ठोस वजह है। दरअसल सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को अंजाम देने वाले हीरो हिमांशु को 7 साल 3 महीने की जेल की हवा खानी पड़ी। ये बात है उन दिनों की जब सोहराबुद्दीन की तूती बोलती थी। लेकिन 26 नवंबर साल 2005 को गुजरात ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और राजस्थान ATS ने कुख्यात अपराधी सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद खुद हिमांशु को 7 साल 3 महीने की जेल भी काटनी पड़ी। लेकिन इंसाफ की लौ बुझाई नहीं बुझती। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस में मुंबई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2018 को अपना फैसला सुनाया और हिमांशु को बाइज्जत बरी कर दिया। खैर, ये कहानी पुरानी है, लेकिन इसमें नया मोड़ ये है कि सुपर कॉप नाम से मशहूर हिमांशु अब राजस्थान के सागवाड़ा में तैनात है। यहाँ थानाध्यक्ष के रूप में अब वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इससे पहले वो भरतपुर में पोस्टेड थे और कई बड़े केस भी उन्होंने सुलझाए। यही नहीं, कुख्यात लाला गैंग का खात्मा करने वाले हिमांशु एक नई मुहिम से भी जुड़े हुए हैं, जिससे शहीद पुलिसकर्मियों की फैमिली की मदद की जाती है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश के चर्चित कृपाल सिंह हत्याकांड का खुलासा करने और वांछित बदमाशों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने में राजावत की मुख्य भूमिका रही। भरतपुर के कुम्हैर थाना इंचार्ज का जिम्मा संभाल रहे हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस दल ने करीब 3 दिन तक के अथक प्रयासों के बाद इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी और मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना समेत 5 और मुलजिमों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में टीम को किसी आपराधिक मामले को सुलझाने और उसके पीछे शामिल बदमाशों को सलाखों तक पहुंचाया हो। उनका एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन और लोगों में उनके प्रति विश्वास का नतीजा ये है कि वे लोगों के बीच सुपर कॉप की पहचान रखते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस का ये स्मार्ट ऑफिसर पुलिस सेवा में होने के साथ साथ बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। सामाजिक कार्यों में भी उनकी खास दिलचस्पी समय समय पर हो रहे विभिन्न आयोजनों में मौजूदगी देखी जा सकती है। 1975 को पाली में जन्मे हिमांशु का कहना है कि उन्होंने साल 1999 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। एक विवादित घटनाक्रम को यदि छोड़ दिया जाए तो उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन कई बार सराहनीय रहा है।